शारदीय नवरात्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर महिला सशक्तिकरण रैली को रवाना किया। इस दौरान सीएम ने महिला अपराध को लेकर कड़े शब्दों में चेतावनी दी और कहा कि ऐसे अपराधियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। संभलने के लिए उन्हें बहुत वक्त मिल चुका है, अगर अब भी नहीं चेत पाए तो एक्शन होगा। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान महिला सशक्तिकरण बाइक रैली को सीएम ने हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते कदम को प्रदर्शित किया। मिशन शक्ति के शुभारंभ के मौके पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में महिला सिपाहियों ने बाइक रैली निकाली। इस दौरान गाजीपुर और आजमगढ़ से तस्वीरें सामने आईं। गाजीपुर में डीएम ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। गाजीपुर की डीएम आरका अखौरी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत बनाम पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर पूरे देश में उत्साह था, जिसको लेकर लखनऊ के एक स्कूल में विशेष स्क्रीनिंग के जरिए छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच दिखाया गया। भारत पाकिस्तान के मैच पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी रहती है। लखनऊ की सीतापुर रोड स्थित स्कूल में विशेष स्क्रीनिंग के दौरान बच्चे काफ़ी खुश नजर आए। हाथों में तिरंगा लिए बच्चे झूमते नजर आए। वहीं जब लगातार पाकिस्तान के विकेट गिर रहे थे तो बच्चे अपने टीचरों के साथ जमकर झूमे। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है, जहां एक महिला का पिता और पति उसे अंतिम संस्कार के लिए बांस पर लटकाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। गरीबी के कारण उनके पास अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे। बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि झूंसी में बांस में लटकाकर महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे पिता और पति की मदद के लिए लोग जुटे। बनारस के रहने वाले ये लोग मुसिहारा समाज के हैं। झूंसी में नीबी गांव में रहकर पत्तल बेचकर जीवन यापन करते हैं। इस वायरल वीडियो को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए बीजेपी सरकार पर तंज कसा। यूपी में डेंगू के मामले बेकाबू हो चुके हैं। सिर्फ चार दिन में 2000 से ज्यादा संक्रमित आ चुके हैं। 24 घंटे में 487 नए मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा मामले बदायूं, लखनऊ और बरेली में हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक कुल 11,932 केस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं गाजियाबाद में शुक्रवार को डेंगू से सरकारी डॉक्टर की मौत हो गई। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू से घबराने की जरूरत नहीं है, खुद को सुरक्षित रखें और डेंगू से घबराएं नहीं।